मुझे आज भी याद है जब पहली बार मैंने 2008 में अवतार का पोस्टर न्यूज़पेपर में देखा था। 2009 में जब मूवी आई तो वर्ल्ड फिनोनिमा बन गई और टाइटेनिक को पछाड़ के दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई की। अवतार 2 का वेट तो काफी लंबे टाइम से हो रहा था और फाइनली मूवी देख भी लिए हैं। तुम किसका वेट कर रहे हो? जाओ लपेटो मूवी को जितना हो सके उतनी बड़ी स्क्रीन पे। अवतार 2 स्टार्ट होती है कि स्काई पीपल ने फिर से अटैक कर दिया पेंडोरा पे और इस बार अपनी पूरी ताकत के साथ आए हैं वो। फिर एक साल का गैप दिखाया जाता है और इस एक साल में ह्यूमंस ने ना केवल नावी लोगों को उनके घर से भागने को मजबूर किया है बल्कि पेंडोरा में ट्रेन ट्रैक्स वगैरह भी सेट कर दिया ताकि अपना माल ढो सके। ये बात जेम्स कैमरून ने काफी मेटाफर के रूप में यूज किया है। फॉर एग्जांपल अपनी इंडियन हिस्ट्री विद ब्रिटेन मींस ट्रेन पर रिबल्स का अटैक भी होगा। जी हाँ, सही पकड़े हैं। जैक सुली अपने लोगों के साथ ट्रेन पर अटैक करता है और उनको लूटता है। मूवी मोर अबाउट सिविलाइजेशन से लेकर मोर अबाउट फैमिली की तरफ जाती है। जहाँ पहला पार्ट लव स्टोरी था, रोमियो जूलियट की स्टोरी थी और ये रोमियो जूलियट मरे नहीं थे, इनकी शादी हो गई और अब 4 बच्चे भी हैं। विजुअल्स को लेकर मेरी जेम्स कैमरून से एक शिकायत है, कौन करता है इसे? क्या जरूरत थी इतनी खूबसूरत मूवी बनाने की? तुम्हारी आंखों को स्क्रीन पर बांधे रखती है। मैं तो ऐसे विजुअल्स देखने विदाउट साउंड चला जाऊंगा, पलक तक झपकाने का मन नहीं करता। एक एक फ्रेम इतना खूबसूरत और नया है जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। स्टोरी की बात करें तो सिंपल सी है, जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, बट एक अच्छे डायरेक्टर का यही तो कमाल होता है, एक सिंपल सी स्टोरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से दिखाना। दुनिया में केवल 8 स्टोरी प्लॉट है, आप उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर दिखा सकते हो। फैमिली एक ऐसा कनेक्शन है जो सभी खुद से रिलेट कर सकते हैं। माँ बाप, भाई बहन, इन सब रिश्तों के मायने सबके लिए अलग और इम्पोर्टेंट है। इन्हीं रिश्तों को ये मूवी काफी खूबसूरती से हैंडल करती है, जो इस मूवी को एक सोल देती है, खूबसूरती देती है। और सुनो जरा, अब पेंडोरा के पास अपना सुपर हीरो भी है, कीरी। वो अपने शुरुआती दौर में ही है, उसकी पावर्स को इतना नहीं दिखाया गया है। अपने कर्नल माइल्स फिर से आ गए हैं, बट इस बार एज ए अवतार। जहाँ फर्स्ट पार्ट में जंगल दिखाया गया था, इस बार ये मूवी समुद्र की गहराइयों में ले जाती है। एक नया समुदाय मेटकाइना दिखाया है, जो समुद्री गोताखोर लोग हैं। मेटकाइना अपने रंग रूप और आकार में नावी समुदाय से अलग है। मूवी खूबसूरत है, ड्रामा है, छोटी सी लव स्टोरी है, एक्शन तो है ही। 3 घंटे 14 मिनट की ये मूवी कहीं भी आपको बोर नहीं करती। एंटरटेनमेंट के साथ ये मूवी काफी अच्छा मैसेज भी देती है अपने नेचर के मिसयूज को लेकर। मस्ट मस्ट वॉच मूवी है, वो भी बिग स्क्रीन पर। ओके, चलता हूँ।